हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो भी लोग बीकॉम पास हैं, माने बीकॉम पास हैं, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, अर्थात एक शानदार मौका आया। और किस चीज के लिए शानदार मौका आया है कि बीकॉम पर बिहार स्टेट से, बिहार इलेक्ट्रिक सर्विस कमीशन, देखिए सामने लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बिहार की कंपनी है, जहां से 300 पोस्ट आए हुए हैं जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क। और इसके लिए क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि केवल बीकॉम मांगा गया, मतलब जो भी बीकॉम पास आउट हैं उन बच्चों के लिए ये शानदार और सुनहरा अवसर है। तो जल्दी से तैयारी हो जाए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे। और अपने फ्रेंडों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेहनत से तैयारी करिए। आइए समझिए, ध्यान दीजिएगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क। ध्यान दीजिएगा, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, और ये नंबर ऑफ पोस्ट हमारे दिए गए हैं टोटल 300, जिसमें से सभी लोग जानते होंगे कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 43 है, और इस दो कैटेगरियां हैं, मेल और फीमेल के लिए है, और ESW में आपका 19 और 11 दिया गया है, और SC कैटेगरी में 40 और 22 दिया गया है, ST कैटेगरी में 5 और 2 दिया गया है, और EBC में 52 और 28 दिया गया है, और BC में 36 और 90 दिया गया है, टोटल हो गया 30। ये भी ध्यान दीजिएगा, मेल फीमेल सभी के लिए है पोस्ट हमारा जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क। अब इसके लिए पात्र कौन है? जो भी लोग बीकॉम पास है और कहीं के भी पास है, किसी भी स्टेट से पास है, किसी भी स्टेट के हैं, सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए इसके आगे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट इसमें एक चीज और दिया गया है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के संबंध में दिया गया है कि एसेंशियल जो हमारी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत की किसी भी विश्वविद्यालय से आप बीकॉम पास हो, मतलब कॉमर्स में आप ग्रेजुएट हो। एक चीज और भी दिया गया है कि जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है वो नॉट बी अप्लाई, मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं है, मतलब कुल मिलाकर पास आउट होना चाहिए, मतलब उनके हैंड में डिग्री होनी चाहिए। एक चीज और भी मैं बता दे रहा हूं कि इसमें प्रोबेशन पीरियड आपका दिया गया है, मतलब सपोज करिए कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइन हो जाते हैं, तो ज्वाइन होने के बाद से आपकी नौकरी तभी पक्की मानी जाएगी जब 2 वर्ष आप कंप्लीट कर लेंगे। प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट डेट से 2 साल नौकरी पूरा कर ले रहे हैं तभी मानी जाएगी पक्की है, उसमें परफॉर्मेंस आपका बेहतर हो, सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी एक एक के बारे में समझ लीजिए क्योंकि आप तो जानते ही होंगे। रह गई बात इसमें कि सैलरी कितना मिलेगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा, सैलरी की जहां तक बात करें, रेमुनरेशन लिखा हुआ है, कंसिडरेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर, मतलब पहले साल आपका पे स्केल रहेगा 9200 से 15500, जिसमें मंथली इसमें देखिएगा 9200 रुपया लगभग हो रहा है, ठीक ना। और सेकंड, मतलब सेकंड ईयर में आपका आफ्टर कंप्लीट 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड 5 लेवल का पे स्कोल आपका जो रहेगा वो रहेगा, रेगुलर पे कमीशन एज पर जो भी अलाउंसेस है वो सारी इंक्लूड होंगे। ठीक है, कुल मिला के ये समझिए कि 2 साल तक आप लोग को थोड़ा सा समझना है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एज की जहां तक बात करें तो एज मिनिमम और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी का 21 और मैक्सिमम है 37, SC कैटेगरी में आपको 21, 42, और ST कैटेगरी में 21 और 42, EBC में 21 और 40, और BC में आपका 21 और 40, अनरिजर्व फीमेल में 21 और 40। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को, वैसे 21 से 37 साल है, कुछ लोगों को 3 साल का छूट, किसी लोगों को 5 साल का छूट दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज बस बता रहे हैं आपको। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जिनका डोमिसाइल बिहार का होगा, मतलब जो बिहार स्टेट के रहने वाले हैं उनको पूरा रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आगे एग्जामिनेशन फीस की बारे में बात कर लें,
कि एप्लीकेशन जो फी है अनरिजर्व कैटेगरी पीवीसी और बीसी का 1500 रुपया और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के जितने हैं उनको 375 रुपया है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की जहां तक बात करें कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, लिखा है सीवीटी विल बी कंडक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द टर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, एक चीज और भी दिया गया है कि इफ सीबीटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल बैच द आंसर सीट विल बी इवेल्युएटेड यूजिंग जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स। मतलब कहने का मतलब है कि ऑनलाइन बेस पे आपका एग्जाम होगा और यदि कई शिफ्ट में हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें मतलब कैंडिडेट ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि प्लेन डिग्री मांगा है, मतलब केवल बीकॉम मांगा है। अब बीकॉम पर तो बहुत सारी भरमार है, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। एक चीज और भी बता दे रहे हैं इसमें कि सपोज करिए कि आपका 300 पोस्ट है तो फॉर्म की संख्या तो ज्यादा होगी ही, ये तो पक्का है। इसमें से सिलेक्शन किनका होगा? सपोज करिए कि 50,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई, मान के चलिए, तो टॉप हमारे जो भी 300 बच्चे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करिए, आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन बेस पे होगा, कई शिफ्टों में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन बेस पे आपका क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारे डिटेल दिया गया है, अलॉटमेंट ऑफ कंपनी, ये तो बाकी सब डिटेल है। हाँ, फॉर्म फिलिंग का थोड़ा डेट देख लीजिए आप लोग कि इंपॉर्टेंट आपका डेट दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2024 से, और क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल 2024। ध्यान दीजिएगा, पूरा अप्रैल फॉर्म फिल किया जाएगा और 30 अप्रैल तक एग्जाम कैंडिडेट होगा। मे भी इसमें लिखा है कि मई टू जून, मतलब मई में भी हो सकता है लास्ट, जून में भी हो सकता है, मैंने प्रस्तावित डेट जो हमारा है मई और जून दिया गया। इसके लिए फॉर्म कहाँ भरेंगे? ये वेबसाइट हमारा दिया गया है www.bspcl.com.in, इस पर आप जाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर, कब से? आपका 1 अप्रैल 2024 से। कुछ इंस्ट्रक्शन इसके बारे में और भी दिए गए हैं, इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लगभग लगभग सभी लोग जान गए होंगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस आपका दिया गया है कि सिलेबस हमारा दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क। सिलेबस को आपको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, थोड़ा एक बार इसको जूम कर दें। देखिए, सिलेबस आपका दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पार्ट में। ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का और 100 आपके क्वेश्चंस रहे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 50 and 50। जो 50 लास्ट का होगा ये आपका कॉमर्स होगा, और बाकी जो है, क्योंकि 6 पार्ट में है, बाकी 5 जो हमारे पार्ट हैं, 5 पार्ट मीन्स जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और जनरल हिंदी, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये 5 पार्ट मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन, और जो कॉमर्स का पार्ट है इस कॉमर्स में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज ये भी बता दे रहे हैं कि जो जनरल नॉलेज है कहीं से भी पूछा जा सकता है, स्पेशली बिहार के लिए नहीं है, कहीं से भी, पूरा ऑल ओवर इंडिया या बिहार, मैंने सारा जीएस पूछा जाएगा। इसमें दिया भी गया है करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कल्चर्स एंड हेरिटेज, और इंडियन पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में पूरा रीजनिंग आपका आ जाएगा, जनरल इंग्लिश में जो ग्रामर वाला पार्ट है जैसे एंटोनियम, सिनोनियम्स, लिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्सक्रिप्शंस, एरर्स, ठीक ना, इडियम, पैसेस, पैसेस, ये सारी चीजें हैं। जनरल हिंदी में भी टोटल ग्रामर, वोकैबुलरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आएंगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से लेकर आपका साइबर सिक्योरिटी तक पूछा जाएगा, जिसमें वायरस, मान लीजिए लैन, वैन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, ठीक ना, पैड,
इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें पूछे जाएंगे। मेन हम फोकस करते हैं कॉमर्स वाले पार्ट पे। जो हमारा कॉमर्स का पार्ट है, थोड़ा सा इसको बड़ा करें हम, ध्यान दीजिएगा। कॉमर्स में हमारे कंपनी अकाउंट एंड इंट्रोडक्शन, कंपनी एक्ट 1956 जो भी अमेंडमेंट हुआ है उसके साथ में, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ये आपके कॉमर्स के पार्ट है। यहां से आपके 50 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, फॉर्म भरने के लिए तैयारी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये भी ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम उसने जैसे प्रस्तावित रखा है तो एग्जाम आपका टाइम से वो ले लिया जाएगा। और रह गई बात तैयारी की, तो तैयारी भाई एक दिन में तैयारी नहीं होती है, उसके लिए जैसे आज फॉर्म मिला है तो ये चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, सपोज करिए आपके 3 मंथ हैं, 3 मंथ, 3 महीने आपको कंटिन्यू तैयारी करना पड़ेगा। इन 6 जो पार्ट आपके दिए गए हैं, सारे पार्टों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन जितना आसान सोच रहे हैं कि आसान नहीं है, नहीं भी ज्यादा तो कम से कम 50,000 बच्चे तो फॉर्म भर ही देंगे, मैंने एक अनुमानित कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन बीकॉम पूछा है, बीएड भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा डिग्री कोई नहीं है, तो कंपटीशन तो भाई पोस्ट हमारे यहाँ 300, ये भी नहीं है कि इंटरव्यू वगैरह होगा, डायरेक्ट 300 का 300 ही सिलेक्शन होगा, मतलब टॉप 300 तक बच्चे सिलेक्ट होंगे, बाकी को बाहर होना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका कोर्स बहुत जल्दी ही मैं लेके आऊंगा, फिर भी यूट्यूब पे भी कुछ बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा कि हमारे जैसे एप्लीकेशन, मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा है एप्लीकेशन BR कॉमर्स, प्ले स्टोर पे जाएंगे, BR कॉमर्स सर्च करेंगे, रेड कलर का ऐसे लोगो होगा, BR ऐसे नीचे कॉमर्स लिखा होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल अभी कोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही इसके लिए लेके आ रहे हैं। फिलहाल आप लोग YouTube पे हमारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसको भी आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम की तैयारी में हेल्प मिलेगी। एक चीज और भी बता दे रहे हैं कि जो भी YouTube पे हमारा कोर्स चलेगा वो केवल कॉमर्स का पार्ट का चलेगा, अदर नहीं चलेगा। अदर आप लोग तो उतना तैयारी में जब जुटे हुए हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, तो सफिशियंट है, तैयारी कर सकते हैं GS, हिंदी, रीजनिंग, मैथ वगैरह का, ठीक है? तो इसी तरह चैनल पर बने रहिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, जो भी जानकारी आपकी होगी आपसे रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, तो वो प्रोवाइड हम कर देंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि मेहनत जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में तो समझिए नौकरियों की बाढ़ ही आ गई है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बाय।